हेलो एवरीवन, कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रिबेट का क्लासिफिकेशन। रिबेट का क्लासिफिकेशन जो है जिसमें कि हम लोग अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन किए थे और हमारा सेप के आधार पर भी क्लासिफिकेशन किए थे। आइए रिबेट के बारे में और भी कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिबेट का एक फिगर बनाता हूँ। आप भी सोचना है कि ये कौन सा फिगर है, आपने जो पढ़ा है उसी में से मैं दे रहा हूँ। मतलब ये जो है एक रिबेट है, ये हमारा कौन सा रिबेट है, ये हमारा है बटन रिबेट या स्नैप रिबेट बोल सकते हैं। ये वाला पोर्शन इसका क्या है, हेड है, और ये वाला पोर्शन क्या है, सेंक है। हम लोगों को इसमें जो है दो प्रकार का डायमीटर पढ़ना होता है। जो हमारा ये रिबेट का जो चैप्टर आएगा, अब आगे न्यूमेरिकल भी करना है, तो उसमें जो है हर जगह जो आपको डायमीटर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा डायमीटर है उसमें दो प्रकार का डायमीटर होता है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। इन दिस वी विल लर्न टू टाइप्स ऑफ डायमीटर। इसमें जो हम लोग दो प्रकार का डायमीटर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा डायमीटर का टाइप है वो है हमारा नॉमिनल डायमीटर, और दूसरा है हमारा ग्रॉस डायमीटर। जनरली हम लोग इसको नॉमिनल डाया या ग्रॉस डाया भी हम लोग बोल देते हैं। अब जो है हमारा नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर एक्चुअली ये क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा रिबेट है, ये हमारा रिबेट में आप ये वाला जो पोर्शन है, हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट जिसको कि हम लोग सेंक कहते। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो ये वाला कुछ डायमीटर है, इसको हम लोग मान लिए डी। अब जो है आप एक बात बताओ, आपको मतलब क्या करना है कि एक होल में न्यूमेटिक पावर या आप हाइड्रोलिक पावर के जरिए जो है आप क्या करो कि इसको इंसर्ट करना है आपको अपने प्लेट में। तो उस जगह पर आपको क्या करना होगा कि ये इसको जो है मतलब आप ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेंक का पोर्शन है और इसका जो डायमीटर है, इसको अगर जो आपको अंदर में इंसर्ट करना है आप प्लेट में, तो जाहिर सी बात है प्लेट वाले जो होल होगी वो कुछ ना कुछ इसके मुकाबले में कुछ बड़ी होगी। तो वो जो होल है, वो जो डायमीटर है, वो डायमीटर हमारा क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर होता है। और वो कितना होता है, वो ये जो हमारा डायमीटर डी होता है उससे 1.5 अधिक होता है, 1.5 mm अधिक होता है। अब जो हमारा अगर जो ये इसकी बात करूँ नॉमिनल डाया की, तो इसको हम लोग नॉमिनल डाया को डी से डिनोट करते हैं और ये जो हमारा ग्रॉस डाया है इसको डिनोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो हम लोग नॉमिनल डाया की बात करें, नॉमिनल डाया को बोल सकते हैं इट इज द डाया ऑफ सेंक, इट इज इक्वल टू द डाया ऑफ सेंक। और ये जो हमारा ग्रॉस डायमीटर है, ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू 1.5 प्लस हमारा डी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी प्लस 1.5। अगर एमएम में दिया हुआ है तो एमएम जो हमारा वैल्यू आएगा वो एमएम में आएगा। अब जो है हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा इसमें देखेंगे कि हम लोग जो है ये जो रिबेट है इसको जो हम लोग इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा न्यूमेटिक पावर या आपको जो हाइड्रोलिक पावर के जरिए से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे जो हमारा बोल सकते हैं रिबेट को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो आइए लिखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। रिबेट इज इंसर्टेड और फिक्स्ड इन स्ट्रक्चर बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पावर, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पावर, और हम लोग बोल सकते हैं और न्यूमेटिक पावर
इसके वजह से जो है ये हमारा भी जो रिबेट का क्लासिफिकेशन है वो भी हो जाएगा कि जो है किस तरीके से इसको रिबेट को हम लोग लगाते हैं अपने प्लेट में। तो जो सबसे पहला अगर जो उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, जैसे कि हमारा दुकान में आप कोई चीज़ को देते हो करने के लिए, जैसे आप प्लेट का जो है आपको चाहिए है, ज्वाइंट बनाना है प्लेट का, तो वहाँ पर आपने बोला और वो रिबेट के यूज से ज्वाइंट बना रहे हैं, तो जाके कोई वर्कशॉप होता है वहाँ पर जाके कोई बना रहे हैं, या कहीं पर जो है आप गए हुए हैं, आपका कॉलेज बन रहा है, वहाँ पे इस तरीके का रिबेटिंग करना है, तो उस जगह पे आपका क्या होगा कि जो है फील्ड ड्राइव एंड रिबेट हो गया। और कोई हाथ से जो है भी ड्राइव करते हैं, जैसे कि हमारा हैमर वगैरह का यूज़ करके भी करते हैं, तो उसको जो हम लोग तीन प्रकार से बांटे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। वो है हमारा पावर ड्राइवन शॉप रिबेट, इसको हम लोग बोलते हैं PDSR लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा आता है पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट। तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो है हमारा हैंड ड्राइवन रिबेट। अब हाथ से भी तो बहुत सारे लोग हैं जो कि रिबेट को लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है उस तरीके का पावर हो और आपको जो है उस टाइप का जो है गैजेट्स हो और सिस्टम उस टाइप का जो कि आप फिक्स कर सकें, इंसर्ट कर सकें आप रिबेट को अपने प्लेट में। हो सकता है आपके जो है मैन पावर के जरिए ही आप जो है रिबेट का जो है आप उसको फिक्स कर रहे हैं प्लेट पे, तो उसको हम लोग हैंड ड्राइवन रिबेट बोलेंगे। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से मतलब जो हमारा कोई चीज़ जो है कंपनी का होता है, हम लोग जो बोलते हैं हॉलमार्क लगाते हैं कि ये कंपनी का सामान है, और कोई बोलते हैं कि मतलब ये कंपनी से नहीं, ये ऑर्डिनरी कंपनी है, तो उस टाइप में हम लोग ये भी बता देते हैं कि जो कंपनी का माल जो सामान है वो क्या होता है कि अच्छा टिकाऊ होता है, और जो कंपनी का नहीं है, जो हम लोगों ने ऑर्डिनरी खरीदा है सामान को, तो वो हमारा सामान क्या होता है कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कमी आती है। तो उस प्रकार से जो हमारा हैंड ड्राइवन रिबेट है उसको हम लोग ये इसको हम लोग लिख सकते हैं हैंड ड्राइवन रिबेट। अब इसका इसमें भी जो है स्ट्रेंथ में, अब कोई दुकान में वर्कशॉप में जाकर जिसके पास के हर टाइप का सिस्टम अवेलेबल हो, हर टाइप की मशीन अवेलेबल हो ड्राइव करने के लिए और फिक्स करने के लिए, तो वहाँ पर, और जो कहीं पर फील्ड में जाकर कुछ सिस्टम को ले जाकर वहाँ पर जो हम रिबेट का जो है क्या इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पर जो है आपका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कमेगा। और जो हमारा हैंड ड्राइव एंड रिबेट है हैमर के जरिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो उस जगह पर कुछ ना कुछ उसका जो है स्ट्रेंथ घटेगा। तो जो ये पावर ड्राइव एंड शॉप रिबेट होता है, ये PDSR, ये जो पावर ड्राइवन शॉप रिबेट है, इसके स्ट्रेंथ से ये पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट जो होता है 10% स्ट्रेंथ कम होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ, नोट में हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से बनाकर, पहला नोट है द स्ट्रेंथ ऑफ पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट इज 10% लेस देन पावर ड्राइवन शॉप रिबेट। अब जो ये शॉप रिबेट है, अब जो हमारा हैंड ड्राइवन रिबेट के बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट होगा, तो उसको लिखते हैं, ये जो पावर ड्राइवन शॉप रिबेट है इससे 20% स्ट्रेंथ कम होता है हैंड ड्राइवन रिबेट का। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीके से, द स्ट्रेंथ ऑफ आपको हैंड ड्राइवन रिबेट HDR हैंड ड्राइवन रिबेट इज 20% लेस, 20% लेसर बोल सकते हैं, यहां भी लेसर ही कर लीजिएगा, लेसर देन पावर ड्राइवन शॉप रिबेट। ये जो है हमारा, ये जो जिस तरीके से हम लोग पावर ड्राइवन शॉप रिबेट हो गया, पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट हो गया, हैंड ड्राइवन रिबेट हो, ये हमारा बहुत ही यूजफुल है आगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। अब आगे जो है हमारा, ये जो क्लासिफिकेशन जो किए थे पावर ड्राइवन शॉप रिबेट, पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट और हैंड ड्राइवन रिबेट,
तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन आया और उसमें जो स्ट्रेंथ हम लोग देखे थे, तो स्ट्रेंथ में अब हम लोग जैसे इसका जो है सबों का जो पावर ड्राइवन है, पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट है और हैंड ड्राइवन रिबेट है, उस सभी केसेस में जो हम लोगों को अलग अलग से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस इसके लिए, PDSR के लिए शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस लिखना होगा। ये हम हमारे जो है न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही यूजफुल है। हाँ, आपको मैक्सिमम रिबेट में जहां भी आप जाएंगे इसमें, इससे जो आपको क्वेश्चन जो है आना है और उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका यूज आता ही आता है। चाहे स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो उस टाइम भी आएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा TF और शियर स्ट्रेस टाउ VF और बियरिंग स्ट्रेस टाउ PF। अब इसको आसानी से याद रखने के लिए एक्चुअली में हमारा जो है, जैसे हमारा वैल्यू आएगा तो हम लोग कैसे याद करेंगे वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस था या शियर स्ट्रेस था या बियरिंग स्ट्रेस था। तो उसको सबसे आसान तरीका है, जो आपका कैपिटल मतलब जो हमारा T होता है, T का जो है आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर समझो तो वो होता है T 20 होता है और हमारा S 19 होता है और B हमारा 2 होता है। तो जो आप ये देखो, आप जो है जो सबसे बड़ा लेटर है, जो सबसे बड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो पहले आया, उसके बाद वाला आया और सबसे छोटा वाला आया। तो जो वैल्यूज मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो मैं वैल्यूज लिखूंगा उसको भी उसी तरीके से आपको याद रखना है कि हमारा कौन सा वैल्यू किसके लिए था। अब जैसे बियरिंग वाला है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमारे जो सबसे लास्ट वाला था वो बियरिंग है। तो पावर ड्राइवन शॉप रिबेट के लिए टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, ठीक। और हमारा जो होता है, और जो है हमारा पावर ड्राइवन शॉप रिबेट के लिए ही शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो भी कितना होती है, 100। और स्ट्रेस माने फोर्स अपॉन एरिया, तो आप फोर्स न्यूटन पर mm² अगर जहां आप एरिया को मान सकते हैं mm में, तो न्यूटन पर mm² लेके आपको वैल्यू बैठाना है, जो वैल्यू है उस तरीके से हम लोग पुट करेंगे। तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू 100, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 100 और इसका ट्रिपल या 300 हो जाएगा, ठीक। और जो हमारा पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट है उसके लिए यहाँ से आप 90 मतलब जो आप 10 माइनस कर लो तो 90 हो गया। तो उस तरीके से आपका ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा ये जो हैंड ड्राइवन रिबेट है इसके लिए हमारा वैल्यू है 80। और ये भी क्या है, 80। और ये वाला वैल्यू ट्रिपल और 10+ मतलब आपको जो है 250 हो जाता है, ठीक। ये था हमारा जो है रिबेट में, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस है, और पावर ड्राइवन शॉप रिबेट के लिए, पावर ड्राइवन फील्ड रिबेट के लिए और हैंड ड्राइवन रिबेट के लिए उसके बारे में पढ़े। आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो भी हमारा जो ज्वाइंट हम लोग बनाते हैं, जो हमारा रिबेट है, रिबेट में जो ज्वाइंट बना रहे हैं प्लेट के जरिए, जो आप जो कोई ज्वाइंट को जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज्वाइंट बनते हैं, और वो जो ज्वाइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन कल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय।